हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में अपने नाउन के बारे में पढ़ा। नाउन के हम जेंडर की बात कर रहे थे, तो नाउन के जेंडर की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि ई डबल एस लगा करके अपने मैस्कुलिन जेंडर जो होता है उसको फेमिनाइन जेंडर के अंदर चेंज करते हैं। नाउन जेंडर की बात हम कर रहे थे, मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर के अंदर चेंज करते हैं। कैसे? जैसे ए डबल बी ओ टी अबट लिखा होता है, अबट का अर्थ होता है मेहनत। तो अब इसका अगर अपने को बनाना हो ए डबल बी ई डबल एस जोड़ते हैं यहाँ क्या, या ओ टी दोनों को यहाँ से गायब करके ई डबल एस बने अबस मेहनत, महिला मेहनत जो होती है उसको अबस कहते हैं। इसी तरीके से एम्परर है, एम्परर सम्राट होता है, इसका अगर बनाए तो एम्प्रेस बनता है। देखो कितना हमने इसके अंदर गायब किया। इसी तरीके से गवर्नर की बात करें तो गवर्नरेस होता है, गवर्नेस की बात करते हैं, गवर्नर जी ओ वी ई आर एन ओ आर होता है, सॉरी गवर्नर का गवर्नेस होता है, गवर्नेस। ओके, इसी तरीके से अपने मार्किस की बात करें, मार्किस ये भी अमीर लोगों को मार्किस कहते थे अंग्रेजों लोग, तो ये क्या करता है मार्सियनेस बोलते हैं इसको। ई डबल एस तो जोड़ते हैं लेकिन हमने क्या किया, क्यू को चेंज कर दिया, क्यू आई एस जो था उसकी जगह एम ए आर सी एच आई ओ एन ई डबल एस मार्सियनेस कर दिया। इसी तरीके से ड्यूक जो होता है, ड्यूक का जो अपने डचेज करते हैं, इसी तरीके से गॉड को अगर बनाएं तो ये होता है गॉडेस, डबल डी करके ई डबल एस लगाते हैं। मास्टर जैसे, मास्टर का हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं, मिस्ट्रेस कहते हैं। इसी तरीके से सोर्सर जादूगर या तांत्रिक होता है, इसको सोर्सरेस सोर्सरेस कहते हैं। तो इस तरीके से अपने कुछ रूल्स जो हैं उनमें क्या करते हैं, ई डबल एस जोड़ते समय हम जैसे मार्किस अमीर जो है इसको मार्शियनेस कर देते हैं, ड्यूक को डचेज कर देते हैं, मास्टर को मिस्ट्रेस कर देते हैं, सोर्सर को सोर्सरेस, अबेट वाला सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है इसको अबेस कर देते हैं। यहाँ मतलब ई डबल एस हमने जोड़ दिए। तो ई डबल एस जोड़ने का जो रूल था उसमें हमने बात करी कि कुछ हम जो नाउन जेंडर होते हैं उसको चेंज करते समय ध्यान में हमें रखना ही पड़ेगा। कुछ केसेस में कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन होती है, ध्यान रखने वाली बात है, कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन होती है, कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन जो होती है उसको भी हम क्या करते हैं फेमिनाइन जेंडर में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मैन सर्वेंट लिखा है, मैन सर्वेंट लिखा है इस तरीके से, तो उसको अपने मैड सर्वेंट कहते हैं, इस तरीके से चेंज करते हैं मैन सर्वेंट को मैड सर्वेंट में। जैसे डॉक्टर है लिखा हुआ तो उसको लेडी डॉक्टर में चेंज करते हैं, लेडी डॉक्टर। हालांकि डॉक्टर जो है वो क्या है, कॉमन जेंडर है लेकिन हम लेडी डॉक्टर कर सकते हैं। वॉशर मैन जब आ जाता है तो उसको वॉशर वुमेन कर देते हैं, वॉशर वुमन, ठीक है ना। वॉशर मैन जो होता है उसको वॉशर वुमन में चेंज कर देते हैं, वॉशर मैन जो होता है उसको वॉशर वुमन में चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से अगर अपने बक रैबिट की बात करते हैं, बक रैबिट मतलब मादा नर खरगोश जो होता है, बक रैबिट को डो रैबिट कहते हैं, डो रैबिट यानी मादा खरगोश जो होता है उसको डो रैबिट कहते हैं। ब्रदर इन लो इसका अगर अपने चेंज करना पड़े तो ये हो जाएगा सिस्टर इन लो। तो इस तरीके से ब्रदर इन लो को सिस्टर इन लो में चेंज कर देते हैं। ही बियर की बात कर देते हैं, ही बियर का मतलब होता है नर भालू,
मादा भालू को सी बियर कहते हैं, ही बियर का सी बियर हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ही बियर को सी बियर में चेंज कर देते हैं। बल बुल काफ जो होता है नर बछड़ा, बछड़ती को क्या करते हैं, बछड़ी जो होती है उसको काऊ बुल काफ की जगह काऊ काफ कह देते हैं, काऊ काफ, ठीक है ना। सी बियर का सी बियर हो जाता है, इसका काऊ काफ हो जाता है, ध्यान में रखना है। बुल काफ काऊ काफ हो जाता है। जैकेस, जैकेस का मतलब गधा होता है, जैकेस जैकेस गधा होता है, और जेनियस गधी होती है, जेनियस जी जे ई डबल एन वाई जेनी एस, तो ये गधी होती है जेनियस। इसी तरीके से टॉम कैट बिल्ला जो होता है टॉम कैट कहलाता है, और सी कैट जो होती है वो बिल्ली होती है, बिल्ला और बिल्ली इसको बोलना हो तो टॉम कैट सी कैट बोलेंगे। हेडमास्टर, हालांकि हेडमास्टर वर्ड जो है वो बता देता हूँ कि ये कॉमन जेंडर है, लेकिन अपने क्या कर देते हैं इसको हेडमिस्ट्रेस में चेंज कर देते हैं। अब आप देखिए मिल्कमैन की बात करें, मिल्कमैन, मिल्कमैन को मिल्क मैड में चेंज कर देते हैं, मिल्क मैड। अच्छा पीकॉक जो होती है, पीकॉक की बात करें, पीकॉक की बात करें तो ये पी हैन में चेंज की जाती है, पीकॉक को पी हैन में चेंज कर देते हैं। ऐसे ही पीकॉक के बाद लैंडलॉर्ड की बात करें, लैंडलॉर्ड ये लैंड लेडी हो जाता है, ये लैंड लेडी यानी मालिक और मालकिन हो जाता है। ऐसे ही फादर इन लॉ, फादर इन लॉ ये मदर इन लॉ में चेंज हो जाएगा, मदर इन लॉ में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर बात करें स्टेप फादर की, स्टेप फादर, स्टेप फादर का मतलब होता है सौतेला पिता, और स्टेप मदर मतलब सौतेली माँ, स्टेप मदर का मतलब सौतेली माँ होती है। ये स्टेप फादर हो गया। उसके बाद ही गोट की बात करें, ही गोट बकरा होता है और सी गोट बकरी होती है, ही गोट सी गोट कर सकते हैं, ही गोट सी गोट होता है। कॉक स्पैरो, कॉक स्पैरो का मतलब होता है चिड़ा, और चिड़ी को क्या कहते हैं, हैं स्पैरो, हैं स्पैरो, ठीक है ना, हैं स्पैरो का मतलब चिड़ी होती है, वैसे कॉक स्पैरो हैं स्पैरो कहते हैं। डॉग वूफ, डॉग वूफ जो होता है वो क्या होता है, भेड़िया, नर भेड़िया, मादा भेड़िया को बिच वूफ, बिच वूफ कहते हैं, बिच वुल्फ कहते हैं। तो इस तरीके से मादा भेड़िया बिच वूफ कहलाता है, बिच वुल्फ और डॉग वुल्फ। और अब अपने स्टेप ब्रदर की बात कर लेते हैं, स्टेप ब्रदर मतलब सौतेला भाई, तो स्टेप सिस्टर सौतेली बहन, ठीक है ना। ऐसे याद रखना है। ग्रैंडसन की बात करें तो ग्रैंडसन का मतलब क्या होता है, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन होता है पोता, पोती को ग्रैंड डॉटर कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने को याद रखना है, नाउन जेंडर चेंज करते समय फर्स्ट और सेकंड वर्ड में कुछ ना कुछ चेंज कर दिया जाता है, या तो फर्स्ट वर्ड में चेंज कर दिया जाता है या सेकंड वर्ड में चेंज कर दिया। जैसे बुल काफ में काउ काफ किया, यानी बुल को काउ चेंज कर दिया, सेकंड फर्स्ट वर्ड में चेंज कर दिया। अच्छा इसी तरीके से बुक रैबिट डो रैबिट, जो कि बक रैबिट डो रैबिट हो गया, स्टेप फादर स्टेप मदर ये सेकंड में चेंज किया, तो फादर और मदर, तो या तो फर्स्ट वर्ड में चेंज होता है या सेकंड वर्ड में चेंज होता है। तो इस तरीके से अपने नाउन जेंडर जो है उसका अगले रूल के अंदर ये चेंज कर देते हैं। अच्छा फॉरेन वर्ड्स और उसके भी मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर होते हैं, लेकिन क्या होते हैं फॉरेन वर्ड्स जो होते हैं उनका कोई रूल नहीं होता, तो इसलिए याद रखने ही पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक जो होता है उसका एडमिनिस्ट्रेटरिक्स होता है, एडमिनिस्ट्रेटिक्स, मिनिस्ट्रे
ट्रिक्स, अब ये याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स होता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स होता है, ये फॉरेन वर्ड है इसलिए ये ले नहीं रहा है। नेक्स्ट देखिए आप, बऊ, बऊ कहते हैं, बऊ बॉयफ्रेंड जो होता है उसको बऊ कहते हैं, जो आपकी प्रशंसा करे। और इसका जो जेंडर होता है बेली, बेली या बेली बोल सकते हैं, बऊ बेली, बऊ और बेली, यानी जो गर्लफ्रेंड होती है जो आपकी प्रशंसा करे तो बेली कहलाती है, बऊ और बेली, ये फॉरेन वर्ड हैं। एग्जीक्यूटर की बात करें, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर मतलब प्रबंधक होता है, एग्जीक्यूट्रिक्स होता है, एग्जीक्यूट्रिक्स ये होता है, एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट्रिक्स होता है। लैड, कोई भी बालक होता है उसको लैड कहते हैं, और जो बालिका होती है उसको लास बोलते हैं, लैड लैस, लैड और लैस कहते हैं। ऐसे ही प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील होता है तो उसको प्रोसिक्यूट्रिक्स, सरकारी वकालत करने वाली महिला वकील जो होती है उसको प्रोसिक्यूट्रिक्स कहते हैं। सुल्तान, ये सुल्ताना होता है। ऐसे ही अपन और भी बात याद कर सकते हैं, वायस राय, वायस राय जो होता है वायस राइन कहलाते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, वायस राइन, वायस राइन, आर ई आई एन ई, आर ई आई एन ई, वायस राइन हो जाएगा, वायस राय का वायस राइन। बोअर, बोअर भालू होता है, नर भालू, और मादा भालू को सो कहते हैं, सव, बोर सव कहलाता है। ऐसे ही ब्रदर होता है, ब्रदर का आपको पता ही, सिस्टर कहते हैं। और इसी तरीके से अगर कोल्ट माने जो बछेरा होता है घोड़े का, तो उसका होगा फिली, कोल्ट का फिली कहलाता है, कोल्ट फिली। उसके बाद में अगर डॉग की बात करें तो डॉग का आपको पता है बिच होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें डॉग के बाद, बक, बक बक हरिण होता है, बक बक हरिण होता है, और बक का डो होता है, हिरणी, हिरणी जो होती है उसको डो कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अपने कौन सा शब्द कैसे यूज करते हैं। ऐसे ही अरल, अरल भी जो होता है वो अमीर होता है, अरल का काउंटेस होता है, काउंटेस, अरल का जो, अरल की मिसेज जो होती है वो काउंटेस कहलाती है, अरल की मिसेज काउंटेस। अरल एक अमीर होता है अंग्रेजों के अंदर। फ्रायर, फ्रायर ऐसा आदमी होता है जिंदगी भर गरीबी में रहने की जिसने कसम खाई हो, संत प्रकार का होता है, और नन साध्वी होती है, तो ये अरल होता है, अरल। उसके बाद में फ्रायर, फ्रायर का नन ऑपोजिट होता है। ऐसे ही गेंडर, हंस को कहते हैं, और इसका होता है गूज, हंसनी, हंसनी को गूज कहते हैं। और गैंडर के बाद बात कर देते हैं अपने हार्ट की, हार्ट, हार्ट भी हिरण को ही कहते हैं, और इसका जो होता है रो, हार्ट का रो ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट क्या, ऑपोजिट जेंडर, ये जेंडर की ही बात हो रही है, ध्यान में रखना, हार्ट का रो होता है। ऐसे ही हॉर्स, हॉर्स का आपको पता है मेयर होता है। ऐसे ही अगर आप बात करें किंग की, तो किंग आप जानते हैं, किंग का क्वीन होता है, और किंग का क्वीन होता है। ऐसे ही हम मैन का, मैन, मैन मीन्स आदमी होता है, और इसका क्या होगा, वुमन होता है, वुमन। ऐसे ही अगर हम बात करें शेफर्ड की, शेफर्ड मतलब जो गडरिया होता है, शेफर्ड, शेफर्ड, शेफर्ड का शेफर्ड एस होता है, हालांकि ये ईडब्ल्यूएस वाले रूल में होना चाहिए, शेफर्ड एस एच ई पी एच होता है, इसीलिए स्पेलिंग रॉन्ग बता रहा है, एस एच ई पी एच होता है, तो ये भी ध्यान में रखना, शेफर्ड एस, शेफर्ड का शेफर्ड एस होता है। और अभी अपने जार की बात करें, रूस के राजा को जार कहते थे, तो जार की जो घरवाली होती है मिसेज उसको जारीना कहते हैं,
जारी ना, ऐसे ही बहुत सारे रूल्स आपको मिलेंगे अंग्रेजी में जो फॉरेन वर्ड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप हीरो बोलें, हीरो, ठीक है ना, हीरो से क्या बनता है, हीरोइन, हीरोइन बनती है, हीरो की हीरोइन हो जाती है। ऐसे ही मश्योर बोलते हैं, मश्योर, ठीक है ना। अगर अपने मश्योर की बात करें, मश्योर, हालांकि इसकी स्पेलिंग मॉन्श्योर होती है, MONSIEUR, ये मॉन्श्योर इसकी स्पेलिंग होती है, लेकिन बोलते हैं मश्योर होते हैं, इसका मतलब होता है महाशय और मैडम, श्रीमती जी होता है। मॉन्श्योर मैडम का अगर ऑपोजिट पोजिशन मश्योर होता है। और अगर सिग्नोर की बात करें, सिग्नोर इसका अर्थ भी महाशय होता है, सिग्नोर, ये भी आदर सूचक शब्द है, तो सिग्नोर का सिग्नोरा होता है, सिग्नोर का सिग्नोरा होता है। तो ये कुछ विदेशी वर्ड्स थे जिनकी हमने जेंडर चेंज किए। अपने और विदेशी वर्ड्स अपने देखते हैं सिग्नोर के अलावा, टेस्टेटर, जैसे टेस्टेडर बोलते हैं, टेस्टेडर, टेस्टेडर टेस्ट यानी वसीयत करने वाला जो होता है, टेस्टेडर होता है, टेस्टेड्रिक्स कहलाता है। उसके अलावा अपने बात करें बैचलर, 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 बैचलर क्या होता है, मैड, बैचलर, बैचलर मैड होता है। और बॉय का गर्ल, बॉय का गर्ल हो जाएगा। उसके बाद कॉक, कॉक का एन होता है। और ड्रेक, ड्रेक जो होते हैं नर बतख को, नर बतख को ड्रेक कहते हैं। और ड्रेक का, सॉरी, ड्रेक का डक होता है, कॉक का हेन होता है, ड्रेक का डक। मादा बतख को डक कहते हैं और नर बतख को ड्रेक कहते हैं। नर मधुमक्खी जो होती है उसको ड्रोन बोलते हैं, और मादा मधुमक्खी जो होती है उसको बी बोलते हैं, ठीक है। ड्रेक और ड्रोन, ड्रोन बुल मतलब सांड होता है, नर सांड, और बुल का ऑपोजिट काऊ होता ही है, गाय। उसी तरीके से फादर सभी जानते हैं, मदर, और ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम, इसका ऑपोजिट जेंडर जो होता है वो ब्राइड होता है। ऐसे ही जेंटलमैन, जेंटलमैन का लेडी होता है। ऐसे ही का आपको पता है सी होता है, हस्बैंड का वाइफ होता है, लॉर्ड का, लॉर्ड को याद रखना, लॉर्ड का भी लेडी ही होता है, ध्यान रखें। मेल का, मेल का फीमेल होता है, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा मिस्टर, मिस्टर जो अगर बोलें किसी को, तो मिस्टर का ऑपोजिट आपको पता है मिसेज होता है, मिस्टर का मिस, सॉरी, अगर हम बात करें मिस्टर की, अगर हम बात करें मिस्टर की, मिस्टर का मिस होता है। ऐसे ही शीप, अब ये आपने नहीं सुना होगा, शीप, शीप नर भेड़ जो होती है उसको शीप कहते हैं, मादा भेड़ जो होती है उसको ईव कहते हैं, ईव, EWE, मादा भेड़ को ईव कहते हैं, शीप का ईव हो जाता है। ऐसे ही सन का डॉटर हो जाता है, ये आपको पता ही है, सन का डॉटर हो जाता है, सन का डॉटर हो जाता है। और शीप का ईव हो जाता है, सन का डॉटर, अंकल का आंट। फॉक्स जो होता है, फॉक्स, इसका विक्सन, विक्सन मतलब मादा लोमड़ी को विक्सन कहते हैं, ठीक है, फॉक्स का विक्सन। ओक्स का काऊ हो जाता है, नेफ्यू का को पता ही है लेकिन फिर भी अपने लिख देते हैं, नेफ्यू का नीस हो जाता है, NIECE, नेफ्यू का नीस हो जाएगा। और सर, सर का मैडम होता है, देखो मैडम, मैडम होता है, सायर और सर में फर्क है, ये सायर मीन्स भी महाशय होता है, सायर का होता है डेम, डेम, सायर मीन्स डेम, डेम माने आदरणीय औरत जो होती है इसको सायर या डेम। विडोवर का विडो होता है, विजार्ड जादूगर होता है ना, विजार्ड जादूगर होता है, उसका विच होता है,
मतलब चुड़ैल जिसको बोलते हैं, विच जादूगर नहीं है, चुड़ैल को क्या कहते हैं, विजार्ड का जेंडर जो होता है वो विच हो जाता है। तो ये हमारे जेंडर संबंधी रूल्स थे, जेंडर रिलेटेड रूल्स थे। बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं उनको अपने इस रूल्स के अंदर बांध करके चेंज करते हैं। अब अपने बात करते हैं नाउन जेंडर के अलावा, ये होती है नाउन नंबर, नाउन नंबर भी होते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है, नाउन नंबर होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, बस दो ही होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल बनाने के रूल्स होते हैं। ऐसी नाउन जिनका लास्ट वर्ड एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, यस यू कैन, सी एच हो, एस एच हो और एक्स हो और जेड हो, एस एस एच सी एच एक्स एस एच, ये सी एच एक्स जेड ये होता है। तो याद रखना है उसके साथ ई ई एस जोड़ देते हैं, जैसे ओ वाला रूल भी इसमें जेड के बाद में ओ की बात भी करते हैं तो ई एस जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखिए आप जैसे फोक्स का बनाना है फोक्सेस, ये देखो ई एस फोक्स का फोक्सेस हो गया। ऐसे ही ए डबल एस की बात करें, यहाँ डबल एस छूट गया है, एस डबल एस सी एच एस एच एक्स एस है, तो इसका क्या बनेगा, एस एस बन जाएगा, ई डबल एस जोड़ देगा, सॉरी ई एस जोड़ेंगे, एस का एस एस हो जाएगा। अच्छा एस डबल एस की बात, एस की बात करें तो बस, बस का बसेस हो जाएगा। सी एच की बात करें तो सी एच की बात करें चर्च, चर्च का चर्चेज हो जाएगा, चर्च का चर्चेज हो जाएगा। सी एच एक्स की बात आएगी, एस एच की बात, बुश की बात करें तो बुशेज हो जाएगा, ठीक है, बुश की बात करें तो बुशेज हो जाएगा। एस एस एच सी एच एक्स जेड, जेड की बात करें जेड वाले भी बात आते हैं। क्विज की बात करें जैसे क्यू यू आई जेड क्विज, तो क्विजेज हो जाएगा, मतलब प्रश्नावलियाँ हो जाती है, क्विज पर क्विजेज हो जाता है। ओ जैसे मैंगो, हीरो एम ए एन जी ओ, मैंगो, मैंगो का मैंगोज है, हीरो का हीरो, हीरो लिखा है इसका हीरोज हो जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर उसके लास्ट वर्ड एस एस एच सी एच एक्स जेड ओ डब्ल एस हो, एस एस एच सी एच एक्स जेड ओ डब्ल एस हो, तो अपने क्या कर देते हैं ई एस जोड़ करके प्लूरल बना देते हैं। तो यही रूल उसमें लागू होगा वर्ब्स के अंदर, वर्ब्स के अंदर भी जब अपने जोड़ेंगे ई एस तो यही रूल लागू होने वाला है। ओके लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं वो जरूर याद होना चाहिए, जैसे स्टोमक होता है, स्टोमक पेट होता है। अब इसका बहुत सारे पेट होते हैं तो इसको क्या करते हैं, स्टोमक्स सिर्फ एस जोड़ते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि सी एच आ गया तो ई एस ही जोड़े। जैसे आपका लोकस शब्द आ गया, लोकस, लोकस का लोसी होता है, लोसी, यानी सी यू एस को सी आई में जोड़ दे, चेंज कर देते हैं। ऐसे रेडियस त्रिज्या जो होती है, रेडियस त्रिज्या, त्रिज्या को रेडी, रेडी बोलते हैं, यानी बहुत सारी त्रिज्याएं जिसके आर ए डी डबल आई, यहाँ पर डबल आई वर्ड का यूज़ होता है। जैसे ओक्स जो होता है, ओक्स का जरूर नहीं है, ऑक्सन करते हैं, ओक्स का ऑक्सन। तो ये यहाँ इसके कुछ एक्सेप्शन है। ओ वाले भी एक्सेप्शन है, ओ आता है तो अपने, हमने कहा कार्गो आता है, इको आता है तो ई एस जोड़ लेते हैं। लेकिन ओ वाले ऑप्शन देखिए, कैंटो, कैंटो फर्स्ट कैंटो सेकंड जो पोइम्स के अंदर होता है, तो कैंटोज ई एस नहीं जोड़ते, कैंटोस बोलते हैं इसे, ठीक, कैंटोस। ऐसे डायनमो है, डायनमो के अंदर भी अपने सीधा ही डायनमोस एस जोड़ देते हैं सीधा। मेमेंटो जो होता है, मेमेंटो, मेमेंटो जो होता है, जो अपने अवार्ड वगैरह में मेमेंटो दिया जाता है, तो मेमेंटोस होता है, ठीक है, मेमेंटोस, बस सिर्फ एस जोड़ेंगे, मेमेंटोस। ऐसे ही रेशो, रेशो जिसको आप अनुपात कहते हैं आप, रेशो, तो रेशोज एस, सिर्फ सीधा एस जुड़े,
ऐसे ही पियानो जो होता है, पियानो पियानो में PIANOS होता है, पियानोस, ठीक है ना। सोलो, सोलो सॉन्ग जो होता है, सोलोस होते हैं, सोलोस। ऐसे ही फोटो, फोटो में फोटोस होते हैं। तो एस जुड़ता है सिर्फ, मतलब एस नहीं जुड़ेगा, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद मान लो। जैसे क्वार्टो जो था पार्ट, क्वार्टो, उसे क्वार्टोस होता है। जो ये लैटिन वर्ड्स होते हैं तो उनका प्लूरल बनाते समय सीधा एस जोड़ते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, कई बार क्या होते हैं, डबल वोवल्स लास्ट के अंदर डबल वोवल होते हैं, तो सिर्फ एस लगा दिया जाता है। डबल वोवल वाले जितने भी हैं, डबल वोवल वाले, जैसे बी डबल ई बी, तो बी डबल ई एस बी, डबल वोवल आ गया ना, ये देखो डबल वोवल। डबल ई जो है वो डबल वोवल है, यानी दो बार स्वर की ध्वनि आ रही है, तो अपने क्या करते हैं उसका एस लगा देते हैं। जैसे ट्री, जिसे अपने कहें ट्री, ट्री का क्या हो जाएगा, ट्रीज, ठीक है ना। ऐसे ही आप जू, ये भी डबल वोवल है, तो जूज हो जाएगा। ऐसे ही पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, अब इसमें क्या करेंगे, आई ओ है, तो पोर्ट फोलियोज एस, क्योंकि डबल वोवल है। आई ओ, आई ओ क्या चीज़ है, डबल वोवल है, जरूरी नहीं एक जैसे हो, डबल वोवल की बात हो रही है, अगर पोर्टफोलियोज हो जाएगा है। ऐसे ही वोज, वो कहते हैं दुख को, बहुत सारे दुख हो तो डबल ओ ई एस, वोज, तो ये ओ ई आ गया ना, डबल वोवल है, इसलिए हमने क्या कर दिया, एस जोड़ दिया, सीधा एस जुड़ता है, ये ध्यान में रखना है कि डबल वोवल आते ही अपने एस जोड़ करके प्लूरल बना देते हैं। इसी तरीके से अपने अपने बात करें, अगर लास्ट में वाई आ जाए तो वाई को टाकर के क्या करना है, आई ई एस करना है, वाई को टाकर के आई ई एस करना है। कैसे, सी आर वाई, क्राई, तो क्राइज होता है, ठीक है। यानी ये यहाँ वाई कब आएगा, कंसोनेंट के बाद आएगा, ये बस ध्यान में रखना कि कंसोनेंट के बाद वाई आता है, तो वाई को टा करके आई ई एस कर दें, अदरवाइज क्या करते हैं, जैसे सिटी बोले, सी आई टी वाई, सिटी का क्या होगा, सिटीज हो गया है। ऐसे ही फैमिली, फैमिली का क्या होगा, फैमिलीज। और जैसे लोरी बोले, लोरी, लोरी का क्या होगा, लोरीज, क्योंकि कंसोनेंट प्लस वाई है, और बिना कंसोनेंट प्लस वाई आ जाए, जैसे के ई वाई, ये वोवल वाली आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं अलग से बता देता हूँ, ये के ई वाई, या यहाँ पर देखिए कंसोनेंट प्लस वाई नहीं, यहाँ पर वोवल प्लस वाई है, तो वोवल प्लस वाई है तो एस, सिर्फ एस छोड़ेंगे, कीज। जैसे डंकी की बात करें, डंकी में भी क्या होता है, ई वाई होता है, तो डंकीज। ऐसे ही स्टोरी की बात करें, स्टोरी जो डबल स्टोरी, थ्री स्टोरी की बात कर रहे हैं हमें, एस टी ओ आर ई वाई, सॉरी, तो इसलिए हो जाएगा स्टोरीज, ये क्योंकि ई वाई लिखा हुआ, स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा। वैली, वैली जो घाटी होती है, वी ए डबल एल ई वाई, वैली होती है, वी ए डबल एल ई वाई एस हो जाएगा, वैलीज। तो ये क्या करते हैं अपने, अगर कंसोनेंट प्लस वाई हो तो वाई को हटा करके आई एस, वोवल प्लस वाई हो तो ओनली एस जोड़ते हैं, ये भी रूल आपको ध्यान में रखना है। अब हम कुछ और वर्ड्स की बात कर देते हैं, क्या है, एफ या एफ ई आ जाए, एफ या फिर एफ ई, तो उन दोनों को हटा करके अपने बी ई एस लगाते हैं। ये कोई परमानेंट रूल नहीं है, ये भी याद रखना है। जैसे वाइफ में क्या है, एफ ई आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, वीव्स, वाइव्स या वीव्स बोलते हैं इसको, तो एफ ई जो था इसको हटा करके क्या कर दिया, वी ई एस कर दिया, ठीक है ना, वाइव्स। ऐसे ही एस एच ई एल एफ, सेल्फ, तो एस एच ई एल वी ई एस, सेल्फ्स, तो अपने यहाँ सिर्फ एफ आया है, एफ को हटा करके वी ई एस जोड़ दिया, तो सेल्फ का सेल्व्स हो गया है। ऐसे थीफ,
थीफ का थीव्स हो गया, ठीक है ना, ये वी ई एस वाला रूल जो है वो लागू होगा। ई एल एफ एल्फ का एल्व्स हो गया, ऐसे ही लाइफ का लाइव्स हो गया, ऐसे ही आप के एन आई एफ नाइफ का नाइव्स हो गया, चाकू बहुत सारे चाकू, वुल्फ का वुल्व्स हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे भेड़िए। तो ये एफ को या एफ ई को हटा करके वी ई एस जोड़ देते हैं, बट इसके एक्सेप्शन है वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। एक्सेप्शन कौन से हैं, जैसे बिलीफ, बिलीफ विश्वास, तो बी ई एल आई ई एफ एस बिलीव्स। तो यहाँ देखने हैं कि बिलीफ, ऐसे ही चीफ, चीफ में सी एच आई ई एफ एस चीफ्स हो जाएगा। क्लिप्स, क्लिप्स जो होता है, क्लिप मीन्स चट्टान होती है, तो क्लिप्स हो जाएगा। ऐसे ही ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स बोना होता है, ड्वार्फ्स एस सीधा जुड़ेगा। ग्रीफ, ग्रीफ दुख होता है, सीधा जुड़ेगा ग्रीफ्स। गल्फ, गल्फ का गल्फ्स होगा, ये एस जुड़ेगा, मतलब सीधी सी बात है। प्रूफ, प्रूफ की बात करें तो प्रूफ्स हो जाएगा, बहुत सारे प्रमाण, मतलब एफ के बाद सीधा एस जुड़ रहा है। सेफ मतलब तिजोरी, तो ये क्या हो जाएगा, सेफ का सेव्स नहीं होगा, सेफ्स, सेफ्स हो जाएगा। ऐसे ही स्कार्फ, स्कार्फ जो ओढ़ने वाला होता है, तो एस ए आर एफ एस स्कार्फ्स हो जाएगा। ऐसे ही रूफ होती है, रूफ का रूफ्स हो जाएगा। ऐसे ही आपको स्ट्राइफ याद रखना है, स्ट्राइफ का स्ट्राइप्स हो जाएगा। ऐसे ही टर्फ या टर्फ घास को कहते हैं, टर्फ्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ है, रूफ है, सेफ है, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और एकेडमिक एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ नाउन को चेंज करने के रूल, बाकी हम और रूल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।